खोने को कुछ नहीं, पाने को जहान। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का निवेश, 800 करोड़ का सफ़र, हिम्मत है तो आजमा लो, शायद किस्मत बदल दे। जो ये चीज़ लिखी है ना, ये कोई फेक नहीं है, ओके, ना ही कोई ये मजाक है, ओके, ये कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हर एक लोग करते हैं, हर एक रिसर्च पर्सन करते हैं। आपने नाम सुना होगा राकेश जमानी सर का, जिनकी फ़ोटो लगी हुई है, लैक्स ऑफ करोड़ के मालिक है। एज वेल एज हम बात करते हैं राकेश झुंझुनवाला की, जो 5,000 रुपये लेके आए थे और आज 25 से 30 हज़ार करोड़ के मालिक है। विजय केडिया की बात करते हैं, जो कि 35,000 रुपये लेके आए थे और 500 से 1,000 करोड़ के मालिक है। तो वो करोड़पति कैसे बने, उन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया, कोई खेल तो है नहीं। देखिए, हर एक उन्होंने वैल्यू पिक की, कुछ ऐसे शेयर खरीदे जो कि उनके पैसे को बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे। बट इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे काम किए होंगे कि उन्होंने अपनी संपत्ति को और बढ़ाया, उन्होंने अपनी वेल्थ को बढ़ाया। तो ऐसी ही एक वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके पास, ओके, उस वीडियो पे चलेंगे, आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ कि किस तरीके से आप बिल्कुल ही मतलब बेफिक्र होके इन्वेस्ट करके, बस थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की नॉलेज और आप इतने सारे पैसे जो ये लिख रहे हैं ना, मजाक नहीं, उतना कमा सकते हैं। उसी वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फिनेंशियल बाज़ार, जो आपका खुद का चैनल है, ओके, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा इत्मीनान से बनाऊँगा, थोड़ा प्यार से, धीरे धीरे से बताऊंगा, स्पीडली नहीं बताऊंगा, ताकि ऊपर से जंप ना हो। एज वेल एज हम बात करते हैं कि आपको अकाउंट ओपन करानी है, तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिएगा, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ हो जाएगा। 0 कोई भी पैसे नहीं देने, 0 डिलीवरी चार्जेस है, सेबी रजिस्टर्ड है, नंबर 1 ब्रोकर है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जो पहले तो टैगलाइन, 1 लाख का निवेश, केवल 1 लाख का निवेश है और 800 करोड़ का सफ़र। तो इसे पाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए, हाउ टू कन्वर्ट 1 लाख रुपीज़, 1 लाख इन्वेस्टमेंट इनटू 800 करोड़ रुपीज़ इन 20 ईयर, केवल 20 साल, 800 करोड़ रुपये, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट। बट इसको फॉलो करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स है, उसे हमें ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसे हम फॉलो नहीं करेंगे ना, तो हम इसे अचीव नहीं कर पाएंगे, अपनी पूरी लाइफ भी लगा देंगे तब भी अचीव नहीं कर पाएंगे, ओके। तो क्या है रूल्स, देखिए ये जो रूल्स है ना, कुछ रूल्स है 10 से 11, इन्हें फॉलो करना होगा। और क्या रूल्स है, तो देखिए, बिट नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक्स। आपको कोई ऐसी कोई पढ़ाई नहीं करनी, ओके, आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि आपको आप कहें कि हाँ भाई ये तो कोई कर ही नहीं सकता, इसके लिए तो अलग तरीके नहीं, कुछ भी नहीं। 1% भी नहीं, 0.001% की भी नॉलेज है ना आपको अगर स्टॉक मार्केट के बारे में, कि स्टॉक को सेल कैसे करते हैं, स्टॉक को पिक कैसे करते हैं, स्टॉक को बाई कैसे करते हैं, बस ये आपको आता है ना, यू कैन ईजीली अचीव दिस अमाउंट, ओके, बहुत आसानी से 800 करोड़ रुपये कमा सकते हैं, पहली बात। और जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा भी है, केवल स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। तो वही रूल, गेम ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो हम काम करने जा रहे हैं ना, जो स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं, तो उस स्ट्रेटजी को एक डिसिप्लिन की तरीके से खेलना होगा, उसी को डिसिप्लिन को उसको फॉलो करना होगा। पावर ऑफ पेशेंस, पेशेंस रखना होगा, ग्रीडी नहीं बनना होगा कि नहीं भाई आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ। आपके पास बहुत सारे दिन हैं, और क्या क्या दिन है, कैसे है, वो मैं आपको आगे बढ़ के बताऊंगा। देखिए, मनी रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली बात है, अगर ये अमाउंट पाना है तो ये कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 1 लाख का केवल इन्वेस्टमेंट। नो फ्यूचर, नो ऑप्शन ट्रेडिंग। मेरे आरबीआई के मेरे टीचर हुआ करते थे, तो उन्होंने बताया था फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम करते हैं ना, वो एक सुसाइड होता है, और सुसाइड मतलब ट्रेडिंग करना एक सुसाइड की तरह होता है। बट और हमें इसमें कोई फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं करनी, कोई हमें ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी, हमें सिंपली क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगला पॉइंट वही है कि ट्रेडिंग इन निफ्टी 50 स्टॉक्स ओनली, मतलब निफ्टी 50 के जो बेस्ट स्टॉक होते हैं, जो निफ्टी चूज़ करता है हर साल, दो हर 6 महीने में उसमें वेरीफिक उसमें चेंजेस करके जो 50 के स्टॉक्स होते हैं ना, और 50 भी नहीं कहेंगे, 50 में से भी अगर गवर्नमेंट और कुछ जो स्टॉक भागते ही नहीं है, जो बेरद्दी स्टॉक है, उनमें भी मिलते हैं, तो अगर उन्हें भी छोड़ दे और 5-10 स्टॉक निकाल दे, तो 40-45 स्टॉक्स एंड निफ्टी 50 के, बस उनमें ही हमें खेलना है, उन्हीं में हमें प्ले करना है, उन्हें ही बाय और सेल करना है,
ये हमारी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। हमें कोई अलग से जो 5,000 7,000 स्टॉक्स की जो लिस्ट है स्टॉक मार्केट में, हमें उन्हें नहीं करना। हमें स्मॉल कैप में नहीं जाना, हमें मिड कैप में नहीं जाना, हमें लार्ज कैप में बने रहना है। और इससे क्या होगा, इससे हमारा जो प्रिंसिपल है 1 लाख रुपीज़, वो सेफ भी रहेगा। अगर कभी हमारे से मिस हैपनिंग होती है तो अगर वो इन्वेस्टेड भी रहे ना, तो हमें फिर भी वो कुछ, अगर वो अमाउंट नहीं तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमें डेफिनेटली मिलेगा, रिस्क फ्री हो जाएगा। और क्या करना है, सबसे अच्छी बात ये, टारगेट टू गेट 5% प्रॉफिट मंथली। देखिए, सब कहते हैं कि 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, 2 महीने में पैसा डबल हो जाएगा, 1 साल में पैसा डबल। हमें नहीं करना, हमें पैसा ही डबल नहीं करना। हमें क्या करना है, देखिए, कहते हैं 1 महीने में 30% कमा लूँगा, 40% कमा लूँगा, ऐसी ऐसी एड्स भी आती है। कहीं कुछ नहीं करना आपको, सिंपल 5% का प्रॉफिट मार्केट से एवरी मंथ, मतलब 20 दिन मिलते हैं आपको मार्केट में। एक महीने में, तो 1 महीने में 20 दिन, 20 दिन में आपको ये केवल 5% का प्रॉफिट जनरेट करना है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास में। एंड डोंट बी ग्रीडी, ग्रीडी नहीं होना है कि आज आज ही करना है, आज ही हमें, अगर आपको मौका नहीं मिला, आज नहीं करने का, 20 दिन है, 20 दिन में कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा, उस दिन एंट्री करनी है, एंट्री करके वो चीज़ अचीव कर लेना है। इफ़ यू डोंट गेट चांस टू ट्रेड देन वेट, वही जो मैं भी बोल रहा था कि अगर नहीं मिल रहा चांस, वेट करो, पेशेंस करो। अगर छूट भी जाती है ट्रेड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ ट्राई करेंगे। कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि 5 की जगह हमें 10 भी मिल जाए, तो इसलिए शांति। इफ़ यू हैव टू एड प्रॉफिट इन प्रिंसिपल एंड फॉलो द प्रोसेस विच वी सो कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो क्या होता है कि हम 1 महीने में हमने 5% का प्रॉफिट जनरेट किया, तो हमें वो 5% का प्रॉफिट भी अपने 1 लाख रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसिपल है, उसमें ऐड करना है। और फिर अगेन 5% का प्रॉफिट हमें जनरेट करना है, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे। तो यही कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग इसे ही कहते हैं, कुछ अलग कुछ नहीं होता, जादू मंतर की ये कंपाउंडिंग होती क्या है। लोग पूछते हैं कंपाउंडिंग क्या होती है, वो अभी आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगी। तो और ये क्या करना है, ये डू दिस फॉर 20 ईयर्स और लाइफ टाइम। देखिए, ये जो प्रोसेस है, ये 20 साल का प्रोसेस है, और या फिर आप पूरी लाइफ भी करते रहो ना, करते रहो, ये पैसे और बढ़ जाएंगे। और भी बट 20 साल का प्रोसेस है ये। अगर 20 साल तक आप इस तरीके से करते रहेंगे, 5% का प्रॉफिट हर मंथ जनरेट होता रहेगा, कंपाउंडिंग करते रहेंगे, तो 800 करोड़ रुपये आपके टैक्स एंड ब्रोकरेज काट के आपके अकाउंट में होंगे। तो नाउ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज गिवन बिलो। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसे कहते हैं ना, वो आपको अब दिखाई देगी। देखिए, इन्वेस्टमेंट कितना बोला था, 1 लाख रुपए का। क्या बोला है मैंने, 5% का मंथली प्रॉफिट। और क्या बोला है कि उसे कंपाउंड करना है, उसे उसमें ऐड करके फिर अगले महीने उसे कंपाउंडिंग करना है। तो देखिए, 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया आपने, पहले महीने में आपने कितना कमाया, 5,000 रुपये, क्योंकि 1 लाख का 5% 5,000 रुपये होता है। और अगर आप इसे कंपाउंडिंग करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 1,05,000। फिर दूसरे में क्या है, 1,05,000। अगर फिर उसका 5% कितना होता है, 5,250 रुपये, इसे इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,10,250 रुपये। फिर दोबारा इसे हमने इस अमाउंट को यहाँ पर इन्वेस्ट किया, फिर 5% किया, तो कितना प्रॉफिट निकल गया है, 5,515 रुपये। और इसे हमने इसमें ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 1,15,763 रुपये। फिर इसे अमाउंट को हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया चौथे महीने, फिर हमने 5% का प्रॉफिट किया, 5,788 रुपीज़, मतलब 5,788 रुपये। इसे इसमें ऐड कर दिया, तो कितने बोल गए, 1,21,551 रुपये। फिर हमने इसे री इन्वेस्ट कर दिया, फिर 5% का प्रॉफिट, ये अमाउंट। तो अगर हम पूरे साल का देखते हैं ना, और हम 1 साल तक इसे करते रहते हैं, तो देखिए ये जो अमाउंट लास्ट में निकल के आती है, 12वें महीने में 1,71,000 रुपये हुए। इतना 12वें महीने में इतना प्रॉफिट हुआ, और हमने ये पूरा 12 महीने तक 5% हर महीने कमाया और ऐड किया कंपाउंडिंग करके, तो लगभग 1,79,586 रुपीज़, मतलब 1,80,000 रुपये के आसपास। यहाँ पर अगर हम कहते हैं राउंड फिगर में, तो 1,80,000 रुपये के आसपास हमारा हो गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 5% का प्रॉफिट हमें निकालना है। 5 भी नहीं निकलता, थोड़ा कम भी निकलेगा तो वो 800 करोड़ की जगह थोड़ा कम आ जाएगा, चलेगा। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 79.6%, लगभग 80% का यहाँ पर प्रॉफिट आपको सालाना यहाँ पर जनरेट हो गया।
ओके, और कितना आपने प्रॉफिट निकाला? आपने निकाला 79,586 रुपीज़ का। यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए से 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर ही आपने प्रॉफिट निकाला। और इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, 5% का प्रॉफिट, निफ्टी 50 के स्टॉक्स, बेस्ट स्टॉक चुनने हैं, वेट करना है, इन्वेस्ट करना है, कंपाउंडिंग करना है, जो प्रॉफिट आया उसे प्रिंसिपल में ऐड करना है, वो री इन्वेस्ट करना है, फिर 5% का उस ये प्रोसेस आपको दोहराना है। ओके, 1 साल में इतना हो गया। अब ये कहानी अगले 20% है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग अब शुरू होगी, जो असली कंपाउंडिंग शुरू होगी। कितना? पहले साल देखिए, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, 5% का प्रॉफिट किया, पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ? 79,586 रुपीज़। ओके, अगर हमने फिर वो पाँच यही मतलब 1,79,586 रुपीज़ हो गया 1 साल में, इसे हमने दोबारा इन्वेस्ट किया, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पाँचवें महीने, 12 महीने, मतलब 1 साल पूरा हुआ। तो 1 साल में जो प्रॉफिट आपको निकल के आएगा ना, 5-5% का, तो निकल के आएगा 1,42,961.6 रुपीज़। ओके, और इसे हमने स्कीम में ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 3,22,561.6 रुपीज़, मतलब इतना हो गया। मतलब अगले साल आपका जो अमाउंट हो गया 2 साल में, 1 लाख का कितना बन गया? 3,22,561 रुपये। फिर आपने दोबारा इसे इन्वेस्ट किया, 5-5% आपने उसमें हर महीने कमाया, उसे उसमें ऐड किया, और ऐड करके हर महीने आपने ऐड किया, तो आपको जो दोबारा जो आपका प्रॉफिट निकल के आया, कितना निकल के आया? 2,56,759.03। फिर अगर हमने उसे दोबारा ऐड किया, ओके, इसमें ऐड कर दिया, तो ये 5,79,320। इस तरीके से ये प्रोसेस आपको कितने साल करनी है? 20 ईयर्स। मैंने आपको बताया था 20 ईयर्स, 5% का एवरी मंथ प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को प्रिंसिपल में ऐड, ये प्रोसेस एवरी मंथ, एवरी ईयर फॉर 20 ईयर। 20 साल के लिए आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। देखिए, ये अमाउंट अपने आप बढ़ता रहेगा, अपने आप कंपाउंडिंग होती रहेगी। यहाँ पर देखिए, कंपाउंडिंग हो के अगर हम 20वें साल में हम एंट्री करते हैं, तो कितना? 20वें साल में देखिए, 678 करोड़। ओके, मतलब 678 करोड़, 92,26,759 रुपये। और जो फिर दोबारा हमने 20वें साल में पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 5-5% कमाया, ओके, और इसे यहाँ पर ऐड करते गए, तो ये कितना होता है? 54,540 करोड़, 540 करोड़, 42,24,24,500। देखिए, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, इतनी बड़ा अमाउंट है। और फिर जब इसे हम इससे ऐड करते हैं ना, 20 साल में कितना बनता है? 1,219 करोड़, 34,51,260। इतने करोड़ रुपए बनते हैं, लगभग राउंड फिगर की बात करें तो लगभग 1,200 करोड़ रुपए बनते हैं। और 1,200 करोड़ में हमने टैक्स और ब्रोकरेज, जो कि आपका जाएगा, ओके, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग कोई आपकी किसी उसी में नहीं कर रहे, आप केवल इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, टॉप 40, 45 और 50 कंपनीज में कर रहे हैं, ओके, तो आपका टैक्स वगैरह सब कुछ काट के, अगर 30% का यहाँ जो जो मैक्सिमम स्लैब होता है वो भी काट दिया जाए, तो आपका सब कुछ काट के लगभग 400 करोड़ अगर हमने काट भी दिया, तो प्रॉफिट कितना होता है? 800 करोड़ रुपए का आपका प्रॉफिट आपके घर पे रहेगा। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये सिंपल स्ट्रेटजी है। ओके, कितना? 5% पर मंथ का प्रॉफिट, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अभी देखा होगा, लोगों ने 10-10, 15-15% तो एक एक दिन में कमाए हैं, एज वेल एज हम बात कर रहे हैं तो पूरे साल में 200-200, 300-300% कमाए हैं। तो 5% का प्रॉफिट कोई बड़ी बात नहीं है। और भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी इकोनॉमी में, जहाँ पर स्टॉक्स बहुत तेज भाग रहे हैं, FIIs जम के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इजीली निकाल सकते हो। और इस तरीके से, और हमारी अर्थव्यवस्था 20 साल तक तो देखिए बहुत फास्ट तरीके से भागने वाली है, बिकॉज वी आर द यंगेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और एज वेल एज हमारी जो जो हमारा यूथ है, ये हमारी पावर है, हमारी ये कंजप्शन का जरिया है, पूरी वर्ल्ड इससे अट्रैक्ट हो रहा है, अपने आप को इसमें झोंक रहा है, और हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा, मतलब हम सुपर पावर में भी आ जाएंगे। और ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है, 5% प्रॉफिट,
निफ्टी 50 में ही करना है, कोई नो फ्यूचर नो ऑप्शन ट्रेडिंग। 20 साल तक का ये प्रोसेस है, 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। सिंपल डिसिप्लिन और पेशेंस से रखना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी, कोई ग्रीडीपनेस नहीं दिखाना, और आपका जो 1 लाख रुपए है, 800 करोड़ रुपए बनता हुआ आपको नज़र आएगा। तो बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। अगर आप मेरे मेरे अगर 10 लोग भी वीडियो देखते हैं और 1 लोग भी एग्जीक्यूट कर 4 लोग भी एग्जीक्यूट करते हैं और 1 लोग भी अगर इसे पा लेते हैं ना, तो आई वुड बी हैप्पी। ओके, और सून मैं भी शायद इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने वाला हूँ, और फिर देखते हैं कि होता क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, इट इज़ सिंपली अ स्ट्रेटेजी जिसमें जो मैंने आपको बताई है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिएगा, और हमारे इस चैनल को बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।